चैनल साइंटिया। जिवें कि तुसी जानते हो आप अपने चैनल पर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के लिए, थोड़ा सीटेट का एग्जाम हो, पीटेट का एग्जाम हो, ईटीटी कैडर के लिए भी जो ईटीटी का पेपर टू होंगे। अगर तुसी चैनल पर न्यू हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट तुहानू डेली की अपडेट्स मिलती रहन। हाँ जी, कल आपां एटम्स एंड मोलीक्यूल का पार्ट वन किया, आई होप तुसी देख चुके हो। अज आपां पार्ट टू करांगे, उसनों कॉन्टीन्यू करांगे एंड कंप्लीट भी कर देंगे अज इस टॉपिक नू। एंड तुहानू अज मैं एक क्वेश्चन रेज किया सी कम्युनिटी सैक्शन दे विच के अगर तुसी चाहते हो आपां ईटीटी दी मैराथन क्लासेस लगाइए, मीनस दो दो चैप्टर या तीन तीन चैप्टर इकट्ठे कंप्लीट कर लिए, तो तुसी वोट दे सकते हो। आपां फिर जल्दी मैराथन क्लासेस शुरू कर लांगे, सो दैट प्रोपर वे दे विच तुहाडी रिवीजन हो सके ते तुसी वधिया एग्जाम च मार्क्स स्कोर कर पाओ। क्लियर, स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, कल आपां ने बेसिक नॉलेज लई सी एटम्स एंड मोलीक्यूल दी। आपां ने सीखिया सी कि एटम्स की हुंदे आ, मोलीक्यूल्स की हुंदे आ। कल आपां गल कीती सी एटम्स बारे, मोलीक्यूल्स बारे, इन्हां दी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स भी कीतियां सी एंड टाइप्स भी डिस्कस कीतियां सी। ठीक है जी, अज अगर आपां गल करिए, कल मैं तुहानूं गल कर रही सी कि आपां कल कुछ लॉज बारे पढ़ांगे। सब तो पहला अज जो आपां गल करनी है, आपां गल करांगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बीनेशन, केमिकल कॉम्बीनेशन। देखो इन्हों मैं कैपिटल दे विच क्यों पाया, क्योंकि केमिकल कॉम्बीनेशन का मतलब है किसी चीज़ नूं आपां की कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। केमिकल कॉम्बीनेशन के जो ये दो लाज हैं, इस तो आपां की समझ रहे हैं कि आपां किसी भी चीज़ नूं, दो चीज़ां नूं कंबाइन करके ला बनाएगी अपने को। ठीक है जी, तो हुण अगर आपां सब तो पहला गल करिए इस दे विच किहड़े किहड़े ला की कॉम्बीनेशन है, मीनस किन्ना लाज की आपां गल करांगे। फर्स्ट वन इस दे विच आपां गल करांगे ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस वन फर्स्ट ला है अपने को। सेकेंड वाला कह रहा है अपने को ला ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, ला ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है जी, इस इन्हों दो का कॉम्बीनेशन आप अज पढ़ा, जो ये किसने दिता सी एल लवूजियर ने। कई बार ना नेम भी पूछ लेंगे है कि किन्ना ने दिता गया, तो एल लवूजियर सी जिन्होंने आपां नूं की दिते सी ये दोनों लॉज दिते सी, मीनस ला ऑफ कैमिकल कॉम्बीनेशन की गल की सी कि इन्हों दोनों की यह फाउंडेशन सी कि कैमिकल साइंस के, मीनस इन्हों तो ही शुरू हुई सी, जिदे विच आपां मेन की कर दिया कंजरवेशन ऑफ मास एंड कॉन्सटेंट प्रपोर्शन। देखो इन्हों एक्सप्लेन कर दिया, सब तो पहला अगर आप गल करिए ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास दी की है, दे विच ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास फर्स्ट ला। वैसे तो नेम तो ही क्लीयर है कि मास नूं कंजर्व किया गया, मतलब मास दे विच की है चेंज नहीं आऊगा। जो एक रिएक्शन होंगी अपने को, एक रिएक्शन दे विच जो रिएक्टेंट है उसका मास, मीनस टोटल जो मास है रिएक्टेंट का, सिंपल लैंग्वेज च करवा रही हूँ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो किस दे इक्वल होंगे जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो अपने को प्रोडक्ट्स ने उन्हों का जो टोटल मास है। ठीक है, तक ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास दे विच की गल की गई सी कि जो अपने कोल की है मास होंगे रिएक्टेंट्स का, वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मीनस कोई भी चेंज नहीं आऊगा। या आप की कह सकते जो भी कोई कैमिकल रिएक्शन होंगी है, जो भी कोई कैमिकल रिएक्शन होंगी है, जो मास है इस रिएक्शन का उसनों ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, मीनस वधा सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मीनस ना घटा सकते हैं। ठीक है, तो जो मास है वह की रहेगा अपने को आलमोस्ट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर, हम
ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ H2O, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, ਮੀਨਸ ਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੋਰੀ ਕਿਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, O2। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, H2O। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ H2O ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਕਟੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾ ਆਫ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾ ਆਫ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ, ਜੋ ਮਾਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਵਾਟਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, H2O ਵਾਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1 AMU, ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ H2 ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 AMU, 2 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸਦਾ 16 ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 16, ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 16 AMU ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 18, ਤਾਂ 16 AMU। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1:8 ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਾਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1:8 ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ 2 ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 16, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1:8। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਅਮੋਨੀਆ, ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? NH3 ਹੁੰਦਾ। ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? NH3 ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 7, ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ? 14 ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਤਾਂ ਜੋ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3। ਤਾਂ 14:3 ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 14:3। ਕਲੀਅਰ? ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨਸ। ਦੇਖੋ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਾਇਨਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਨਾਇਨ। ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਟਾਇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਨਾਇਨ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕੈਟਾਇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ NaCl ਦੀ। NaCl ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Na ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 11। ਕੋਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਇਸਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2-8, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 2 ਫਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਰਬਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਰਬਿਟ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 8, 3, 4, 5, 6, 7 ਐਂਡ 8 ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ 8 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? 1 ਬਚ ਗਿਆ। 2-8-1 ਇਸਦੀ ਕੋਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2-8-1 ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 11 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, 2 ਔਰ 8, 10+1 11, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਰੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 17, ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਮੈਂ ਕੋਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੂੰਗੀ? 2-8-10 ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 7 ਬਚੇ, 7 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ? 1 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੋਰੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 8-3-4-5-6-7-8 ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਓਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? 7, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਹੈਗੇ ਨੇ। 3-4-5-6-7 ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 7 ਨੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਡੀ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
और अगर यह सोडियम 1 डोनेट करे तो यह भी स्टेबल है। हुन दोनों की होना चाहते हैं स्टेबल होना चाहते हैं, तो जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसनु दे देगा, क्लोरीन नु। क्लोरीन की करेगा इस इलेक्ट्रॉन नु अपने को खींच लेगा, मतलब अपने को ले लेगा। ठीक है, तो हुन एक गल ध्यान च रखनी है, जो भी इलेक्ट्रॉन कोई दिंद है, मतलब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसनु, क्लोरीन नु दे रहा है, तो जो दिंद है उसते पॉजिटिव चार्ज, जो ले रहा है उसते नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला की हुंदा सी अपने को अनायन, और जो अपने को की है गेन का दे रहा है वो की हुंदा है केटायन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाला। सोडियम इलेक्ट्रॉन किनू दे रहा है, क्लोरीन नु। ठीक है, तो यह आपस में मिलकर कंपाउंड बन गया NaCl, पॉजिटिव नैगेटिव ये आपस की हो रहे ने स्टेबल हो रहे, समझ आया। तो इसनों आपा की कहवांगे, सोडियम नु पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन नु आपा की कह देंगे नैगेटिवली चार्ज, क्लोराइड आयन कह सकते हैं। ठीक है, इनू सोडियम आयन कह सकते हैं। तो इस तरीके नाल यह की हो जाएंगे अपने को स्टेबल हो जाएंगे। इसे तरीके नाल तुसी कोई भी बना के देख सकते हो। उम्मीद है तुहानू NaCl दा कंसैप्ट की है क्लीयर हो चुका होना। ठीक है जी, बस इन्हां दे विच मेन जो आयन्स दी गल कीती है आपां, टॉपिक आयन्स है, तो उस दे विच आपां की देखांगे पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज देखांगे, मीनस जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन लूज कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। जो तो इलेक्ट्रॉन नू लूज करेगा उसते केड़ा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मीनस केटाइन। जो इलेक्ट्रॉन नू गेन कर रहा है उस उपर नैगेटिवली चार्ज आ जाएगा, मीनस अनायन। क्लीयर, आई होप तुहानू यह चीज़ा क्लीयर हो चुकिया ने। एवें दे बहुत सारे अपने कोल की बनते हैं, बहुत सारिया एग्जाम्पल्स बनदिया ने आयन्स दी। ठीक है जी, एक होर एग्जाम्पल दे नाल समझते हैं, उम्मीद है तुहानू फिर चंगी तरह ये चीज़ क्लीयर हो जूगी, थोड़ी उम्मीद कई नवी हो सकती है। हाँ जी, एग्जाम्पल लें लीथियम फ्लोराइड। देखो हम लीथियम फ्लोराइड, सब तो पहला लीथियम का अटोमिक नंबर 3, तो इसके इलेक्ट्रॉन किस तरह होंगे, सब तो पहला फर्स्ट शैल दे विच 2, दैन अपने को किन्ने बचे 1। ठीक है, तो किन्ना आ गया 2 एंड 1। नैक्सट अगर आप गल करिए फ्लोरिन, फ्लोरीन का अटोमिक नंबर कितना होता है अपने को 9, तो किस तरह नाल शैल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 8, नहीं सॉरी 10 हो गए, सॉरी जस्ट अ सेकंड, तो हाँ जी किन्ने रह गए अगर आप गल करिए 7। किस तरह नाल बन गए न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। नैक्सट जो अपने को शैल है उस किन्ने आ जाएंगे 7 1 2 3 4 5 6 7। देखो हम स्टेबल होने के लिए अगर मैं गल करा, लीथियम को आ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रा है, मीनस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रा है, और फ्लोरीन नो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, इतने किन्ना होंगे अपने को 8, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लीथियम किसन दे दूगा, फ्लोरीन दे दूगा। हम लीथियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दिता उससे पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे इससे की आ गया नेगेटिव चार्ज, तो अपने को बन गया लीथियम फ्लोराइड। क्लीयर, समझ आ गया। देखो हम इलेक्ट्रॉन एक तो ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग की आ जाता है चार्ज आ जाता है। तो इस टाइम 1 के टाइम है 1 ही अपने को है अनायन है। उम्मीद है ये भी चीज़ थानू की है क्लीयर हो चुकी है, तो इस बेसिस से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ध्यान करियो प्रॉपर वे दे विच, उम्मीद है तुहानू समझ भी आ चुकी होगी। ठीक है जी, जिवें हुण आपां अगर गल करिए कैल्शियम सल्फाइड की गल कर दें, मैं तुहानू ज़्यादा इलैक्ट्रॉन वाला भी करवा दिनी हाँ। कैल्शियम सल्फाइड CA कैल्शियम S सल्फाइड, सब तो पहला अगर मैं गल करा कैल्शियम की, कैल्शियम का अटोमिक नंबर कितना होंगे 20, कॉन्फिगरेशन कितनी बनूगी 2 8 8 2 8 2 10, 10 + 8 = 18, +2 किन्ना हो गया 20, कैल्शियम दे किन्ने हो गए 20 हो गए। हाँ जी, अगे अगर मैं गल करा सल्फर दी, सल्फर दा अटोमिक नंबर किन्ना होंदा 16, कॉन्फिगरेशन किद्दा बनूगी 2 8 6, किन्ना हो गया 2 और 8 10 + 6 = 16 हो गया। हुण देखो इन्हां ने की करना है, हुण जो अगर आप देखिए अपने को इलेक्ट्रॉन्स, हुण मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी सीधा, इत्थे तक तो अपने को जो कैल्शियम है वह स्टेबल है, कैल्शियम इतने तक अपने को स्टेबल है 2 8 8,
मीन्स आ दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ने। सिमिलरली अगर मैं गल करा सल्फर दी, इसनों की है स्टेबल होने दे लई, इत्थे देखो 6 दी जगह किन्ना हुंदा अपने कोल 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ने, 2 इलेक्ट्रॉन दी की है जरूरत है। तो कैल्शियम की करूगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसनों दे दूगा, सल्फर नू दे दूगा। तो कैल्शियम की करूगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसनों दे रहा है, सल्फर नू दे रहा है। हुण जो इलेक्ट्रॉन्स दिंदा है उसते की आ जांदा है पॉजिटिव चार्ज, तो कैल्शियम दे किन्ना पॉजिटिव चार्ज आ जो 2 पॉजिटिव। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो सल्फर दे किन्ना चार्ज आ जाऊगा 2 नेगेटिव। देखो मैं थानू की कहा सी, जिहड़ा नेट चार्ज होगा वह 0 होगा। देखो नेट चार्ज 0 बन रहा है ना कैल्शियम सल्फाइड का, किस तरह नाल लिखदे CaS, समझ आया। इस तरह नाल आपां की कर सकते हैं, आयन्स दे विच पता लगदा है कौन कैटाइन है कौन एनाइन है। ठीक है जी, तो तुसीं मैनूं हुण कमेंट बॉक्स से दसोंगे कि कैल्शियम सल्फाइड दे विच कैटाइन कौन है एंड एनाइन कौन है। इस दे तुसीं मैनूं की करोगे कमेंट बॉक्स के विच दसोंगे कि कौन अपने कोल कैटाइन है कौन एनाइन है कैल्शियम सल्फाइड दे विच। ठीक है, आंसर दे दिया करो प्लीज, तुसीं कमेंट बॉक्स के विच दस्दे नहीं हैगे। नैक्सट जो आपां टॉपिक करांगे वह है अपने कोल मोलीक्यूलर मास, कह सकते हैं मोलीक्यूलर मास। देखो मोलीक्यूलर मास नेम तो ही क्लियर है, जदों आपां किसी भी मोलीक्यूल का मास मेयर कर दें, ठीक है, उसका फाइंड आउट कर दें, किसी भी मोलीक्यूल का जदों मास फाइंड आउट कर दें तो उसनों आपां की कह दें मोलीक्यूलर मास। इसनों भी आपां अटोमिक मास यूनिट मीनस यू लिख सकते हैं स्मॉल, इस दे विच ही फाइंड आउट किया जाता है किसी भी मोलीक्यूल का मास अगर आपने फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल लै लें, आप लै लें जिमें वॉटर ही लै लें, सब तो सिंपल H2O आप काफ़ी पढ़े ये वाला। ठीक है जी, तो H2O वॉटर की अगर मैं गल करा, हाइड्रोजन का मास अपने को कितना होता है 1 यूनिट होता है, एंड ऑक्सीजन की गल करिए 16, बट अपने को हाइड्रोजन किन्ने 2, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन किन्ना अपने को सिंगल है तो एक का मास कितना होता है 16, तो 2 + 16 किन्ना आ गया अपने को 18 यूनिट की आ गया अपने को वॉटर का मास आ गया। ठीक है जी, मोलीक्यूलर मास, एक मोलीक्यूल है H2O उसका मास निकाल लिया। तुसी अगर आप गल करिए किसी भी मोलीक्यूल का मास ईजली फाइंड आउट कर सकते हो। हुण तुसी जिवें अगर आप गल करिए CH4 मिथेन है, इसकी अगर मैं गल करा कार्बन का मास कितना होंगे 12, ठीक है, एक अपने को है 1 ही है कार्बन, ठीक है जी, प्लस 4 अपने को ने हाइड्रोजन, तो 12 + 4 किन्ना आ गया CH4 का मास 16 यूनिट आ गया। क्लीयर होया, समझ आया। तो इस ही मैं तुम्हें क्वेश्चन पा दिनी हाँ, तुम मैं मोलीक्यूलर मास फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स के दसोंगे, क्वेश्चन नाल टाइप कर दियो। तुम मैं दसोंगे NH3 अमोनिया का, इस तो अलावा अगर मैं गल करा क्लोरीन का Cl2, इस तो अलावा अगर आप देखिए NaCl का भी नहीं, वह तो फॉर्मूला हो गया। नैक्सट तुम कार्बन डाइऑक्साइड का, इन्होंने तिना का मास मैं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दसोंगे, याद ना दस दियो। ठीक है जी, नैक्सट आप लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का, जो कि अपने को फॉर्मूला यूनिट। हूँ देखो फॉर्मूला यूनिट की होंगे अपने को, फॉर्मूला यूनिट ये भी तो पता होना चाहिए। इस दे विच अगर आप गल करिए कोई भी सबस्टांस है, इसका मतलब कि जो भी सबस्टांस है अपने को उसका जो अपन फॉर्मूला गिवन है उन्हां दे विच जिन्ने भी एटम है सब का आपने की एटम्स का की निकालना है, अटोमिक मास निकालना है, की निकालना है अटोमिक मास फाइंड आउट करना है, उसनू आपां की कह दिंदे आ फॉर्मूला यूनिट कह दिंदे आ। ठीक है, मीनस फॉर्मूला यूनिट मास का की मतलब है, आपने हर फॉर्मूले दे विच जिन्ने एटम्स प्रेजेंट है उन्हां दा की है मास निकालना है, अटोमिक मास निकालना है। जिवें हुण अगर मैं एग्जाम्पल की गल करा, आपने अज के कंपाउंड पढ़िया सी NaCl, ठीक है, फर्स्ट NaCl, इसका अगर आप मास निकालिए तो सब तो पहला सोडियम कल दसा सी एक्सेप्शन है, अटोमिक नंबर 11 होंगे सोडियम का, बट मास कि होंगे 23, तो 1 × सोडियम का मास 23
प्लस क्लोरीन भी किन्ना है 1 एंड क्लोरीन का मास भी एक्सेप्शन से किन्ना होंगे 35.5 तो अपने को किन्ना बन गया 23 प्लस 35.5 किन्ना फॉर्मूला यूनिट का मास किन्ना आ गया अपने को 58.5 यूनिट। क्लियर, उम्मीद है तुम्हें समझ आ चुके हैं। तो इसे तरीके नाल तुसी मैनू फाइंड आउट करके दसोगे मास जिंक ऑक्साइड का ZnO एंड इस तो अलावा अगर आप गल करिए पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3 इन्हों का मास तुसी फाइंड आउट करके दसना है। ठीक है जी, मास तुहानू मैं वैसे इत्थे दस दिंदी हां जिंक का किन्ना हुंदा है 65, बट कई बार तुहानू पेपर दे विच मैंशन नहीं होगा तो तुहानू थोड़े बहुत पता होने चाहिए। 20 तक का तुसी अटोमिक नंबर भी याद कर लो, 20 तक ही तुसी मासेस तुहानू पता होने चाहिए ने इनकलूडिंग एक्सेप्शन, वरना फिर तुहानू एग्जाम दे विच प्रॉब्लम हो जूगी। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन का किन्ना हुंदा अपने कोल 16 यूनिट हुंदा है, पोटाशियम की अगर मैं गल करा 39 यूनिट हुंदा है, अपन पता है ये चीज़ा पता होनी चाहिए ने 20 तक। अगर मैं गल करा कार्बन का 12 यूनिट होंगे एंड ऑक्सीजन फिर वही कि आ गया 16 आ गया। तो ये दो क्वेश्चन होर हो गए, मतलब टोटल तो अज मैंने 5 to 6 क्वेश्चन देते, इन्हों सोल्व करके मैं कमेंट बॉक्स के हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। प्लीज़ थोड़ा जहा रिस्पोंस दिया करो, वीडियोज़ में लाइक करना ना भुलिया करो, लाइक करो वीडियोज़ में, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के नाल मैक्सीमम जिन्ना भी हो सके ग्रुप्स के शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप ने अजकल तो टैलीग्राम ग्रुप ने सब दे विच शेयर करया करो, लाइक करया करो। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो एंड बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि फिर तुहानू अपडेट्स मिलती रहनगियां टाइम टू टाइम। एंड प्लीज़ और येस और नो जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ तुहानू उसका आंसर जरूर दे दियो। एंड जो बच्चे टैलीग्राम ग्रुप के ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने वह ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उसका मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है दोनों ग्रुप्स का। ठीक है जी, ज्वाइन कर लियो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।